डाल तो कलर आ गया, कंपोस्ट हो गया। इसको कलर से देखना पड़ता है, इसको कंपोस्ट हो गया कि नहीं हो गया। ये 72% मॉइस्चर तक हम लोग मेंटेन करते हैं। वो 8 दिन के बाद में आप चेक करते हैं ऐसा? हाँ, ऐसा हो जाते हैं। हाँ, 8 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिग्रेडेशन हो जाते हैं। ओके, ये लेवल तक आना चाहिए जब कंपोस्ट बन गया, मीनिंग है। अच्छा, अदरवाइज नहीं है तो कंपोस्ट का है नहीं। और रखने का वहाँ पे? वो नहीं, रखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा? इसको मॉइस्चर कम पड़ा था, क्या पड़ा है? 8 दिन में वाना ही वाना। अच्छा, इसको क्या है? यहाँ पे किस लिए लाते हैं अभी? यहाँ पे किस लिए लाते हैं? ये अभी फिल करने का फेस टू प्रोसेस। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे रखा है? ये फेस वन प्रोसेस है। अच्छा, ये फेस टू प्रोसेस के लिए ला के रखा। अभी फिलिंग का ये कितने दिन रखा आपने यहाँ? अभी लाया है ना, अभी ला के रखा है। इसको तुरंत फिल करना चाहिए, तुरंत फिल करना। खाली पहा वाहन निकल रहा है। मशरूम पांडरा रास्ते पर निकला सर, काड़ा काड़ा हीट भी वगैरह नहीं देते, ऑटोमेटिक इसमें जनरेट होते हैं। वो कौन सा? ठंडा गर्म? नॉर्मल फ्रेशर में हम लोग एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा, कभी फ्रेशर ज्यादा कम, एक टेम्परेचर अभी इनिशियली भरने के बाद इसको टेम्परेचर कम डाउन करते हैं हम लोग। 48-50 अभी बनने का टाइम 65 degrees रहेगा, इसको एक लेवल तक लेके आते हैं हम लोग, 50 degrees तक लेके आते हैं। 24 hours लगते हैं इसको आने के लिए। अच्छा, फिर वापस हीटअप करते हैं। अच्छा, फिर हीटअप करते हैं, फिर पास्टराइज करते हैं। अच्छा अच्छा, 58-59 degrees में 9 hours करते हैं सर। यहाँ पे कूल डाउन, यहाँ पे क्या करते हैं बोला, स्टोर करते हैं यहाँ पे? अभी नहीं, पास्टराइजिंग करते हैं, पास्टराइज टनल है। अच्छा, पास्टराइज करते हैं। अनवांटेड बैक्टीरिया किल होते हैं यहाँ, पूरा फैला के रखते हैं इसको। 6 feet तक भरते हैं, पूरा भर के रखते हैं, भर के रखते और ये पैक कर देते डोर, पैक कर देते। अच्छा, एसी की गर्मी से इसे स्टराइल हो जाता है पूरा? हाँ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट स्टराइल होता है। स्टराइल? अच्छा अच्छा, और कितना टाइम लगता है इसको? 7 days लगते हैं। यहाँ पे 7 दिन रखते हैं? 7 days रखेंगे। इसकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है सर? इलेक्ट्रिसिटी लगती है 6,500 tons किलो केजी दररोजचं उत्पादन मशीनचं? हां, इथं म्हणजे 6,500 tons रोजचं किलो काही लावत होतो 3-2 किलो। सेवेंथ डे के बाद इसको कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर 28 degrees तक लेकर आते हैं कंपोस्ट को, 25-28 degrees तक। इसको कंपोस्ट बन गए, अभी उधर मॉइस्चर ज़्यादा था, इधर बराबर मॉइस्चर 62-63 तक। इसके साथ सिर्फ पान डालते हैं हम लोग, 26-27 है पर बैग में। 100 grams पान, 100 grams पान डाल, 100 grams वो ऑटोमेटिक पान गिरते हैं उसमें, मशीन में डाल के फिल कर देते। वहाँ से निकालो मटेरियल कहाँ पर रखते हैं? ये यहाँ पे फिल, वहीं से डायरेक्ट फिल करते हैं, ये मशीन में डालते हैं, मशीन से पान मिलाते हैं, फिर इधर बैग पकड़ते हैं, यहाँ से किलो का किलो, हर एक बैग 10 किलो का पकड़ते हैं। वाश येत नाही त्याला, म्हणजे पूर्ण मेल करतो झालं। 24 घंटे पहिले निकाल के रखतो, 15 degrees टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़े, नहीं तो करो पूरा फैला दिखे। ये जो डाल देते हैं, बराबर कौन सा
सर अभी बाहर से मंगाते हैं, हमारे पास भी लैब है। मैडम सर मैं क्या बोला, ये मशीन में बोला डायरेक्ट लेयरिंग करके फिर ये कर देते मिला देते, ये इतने गिरते रेशियो रखते हैं हम लोग। अच्छा। कितना कंपोस्ट में कितना गिरना चाहिए हाँ। वो ऑटोमेटिक घूमते रहेगा, वो स्पान गिरते रहेगा। ये देखिए इधर उधर गिरते रहते बराबर, कितना ग्राम चाहिए इतना ग्राम जाता। और कौन से पैटर्न में गिरते हैं सर्कल वाले के? ये कंपोस्ट प्रोसेस है, टोटल 20 डेज का प्रोसेस है ये, वहाँ से लेके यहाँ तक 20 डेज का प्रोसेस है। अभी ग्रोइंग संभल गए खाली बागा पर का कट खाली बागा ऐसा पढ़ना तुम बोगुने बोगुने खाली गड्ढे बागा गड्ढे 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 ठीक है। ये अभी उधर से इधर आने के बाद बैग इधर रख देते हम लोग, 10 किलो का बैग है। ये देखिए अभी स्पॉन रन होना चालू हो गया। 10 किलो में स्पॉन कितना गिरता है? 100 ग्राम्स चेंज होना चालू हो गया। मैं स्लिम पकड़ने में चालू हो गया इसको इसको अभी 9th डे है, ये 12th डे पूरा वाइट हो जाएगा इसको। फिर सेकंड प्रोसेस, ये फर्स्ट स्टेज है, स्पॉन रन स्टेज है। ये 12 डेज प्रोसेस, इधर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 25 कंपोस्ट 26 डिग्री 27 डिग्री तक मेंटेन करते हैं कंपोस्ट को। चलो काली बगा गड्ढे देखो, गड्ढे गड्ढे देखो, लोग चलना देखो लग रहा है, नीचे देख के चलो गड्ढा है। क्लियर है कि चलेगा चलेगा चलो 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 प्रोसेस चला।